देखिए, मनुष्य सारा जीवन जो है पता नहीं किन किन लालसाओं, चाहनाओं, लोभ लालच के आगे पीछे दौड़ता रहता है। हमारे दार्शनिकों ने, हमारे आध्यात्मिक चिंतकों ने जो बात कही है वो ये है कि ये जगत और जीव, इन दोनों का जो संबंध है, जीव का तो आना जाना चलता रहता है और जगत सनातन है। ये जो स्पष्टता हमारे आध्यात्मिक चिंतकों और दार्शनिकों के मन में थी, उससे हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि मनुष्य के रूप में हम हैं कौन। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम किसी मनुष्य से ये पूछते हैं कि आप कौन है, तो छूटते ही वो अपनी जाति बताता है। भारत के संदर्भ में तो अधिकांश उत्तर यही मिलता है। थोड़ा ज्यादा व्यापक सोच हुआ तो वो अपनी नागरिकता बता देगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, कि मैं श्रीलंकाई हूं या मैं अमरीकी हूं। पर उससे भी आगे जाने की जब हम बात करते हैं तो फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हम मनुष्य हैं। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य से आगे क्या। तो हमारे चिंतकों ने बहुत सोचा तो हमको ये बिंदु मिला कि हम चेतना के बायोलॉजिकल फॉर्म हैं, ऊर्जा के बायोलॉजिकल फॉर्म हैं। पूरा जो जगत है जिसमें इतने जीव हैं, इतनी वनस्पतियां हैं, ये सब ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। और जीव जब तक वो जीवंत है तब तक है, साकार निराकार का खेल है पूरा ये जीव और जगत का। जब तक जीवित है तब तक साकार ऊर्जा के पिंड है, जब जीवन का अंत हो गया तो निराकार में समा गए। ये क्रम साकार निराकार का अंतहीन चलता है। जैसे हम जीते हुए श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु का सिलसिला इस जगत में हर क्षण चलता ही रहता है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न आज के संदर्भ में ये खड़ा करना चाहता हूँ कि इतना सब होने के बाद में भी हम अंतर्मन में इतने डरे हुए क्यों हैं। आज जैसी घटनाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, समाज की चर्चा में, आंदोलन में, प्रदर्शन में, कानून में, प्रवचनों में, बोलचाल में, हमको मनुष्य मनुष्य से डरता हुआ दिखाई देता है। हिंदू के मन में मुसलमान का डर है, मुसलमान के मन में हिंदू का डर है। पैसे वाले के मन में गरीब का डर है, गरीब के मन में पैसे वाले का डर है। जो ज़्यादा ऊंचे ओहदे पे हैं उसको जनता का डर है, जनता को मनमानी का डर है। ये जो तरह तरह के डर हमारे लोक जीवन में व्याप्त हो गए, इनसे बाहर कैसे निकले। तो डरों की बाढ़ में एक नया डर स्त्री पुरुष के बीच में आज की दुनिया में आके खड़ा हो गया। जब से दुनिया बनी तब से स्त्री पुरुष का साथ है। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर संघर्ष में, जीवन की हर चुनौती में स्त्री पुरुष के सानिध्य के बिना इस जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी विरासत वाला मनुष्य समाज आज के कालखंड में स्त्री पुरुष से डर रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच में स्त्री पुरुष के संबंध को लेके और रूल ऑफ लॉ को लेके जो नए सवाल खड़े हुए हैं, उसने एक नया दृश्य उत्पन्न कर दिया है। ये स्त्री होने की मानसिकता या पुरुष होने की जो मानसिकता है, इसका आधार क्या है। जब हम मूलतः ऊर्जा के साकार पिंड हैं तो फिर ये भेद कहाँ से आया। पर जन्मना
जन्मना हमारी लर्निंग, हमारी सीखने की पहला पाठ ही हमारा ये होता है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं अगड़ा हूँ या मैं पिछड़ा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ या मैं अफ्रीकी हूँ। यहीं से हमारी सीखने की पद्धति या हमारी जो विचार प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है। न तो हमको कभी ये सीखने को मिलता है कि हम ऊर्जा के साकार पिंड हैं, ये तो बहुत बाद में, यदि आप में दार्शनिक वृत्ति है, जीवन के बारे में चिंतन करने की में आपकी रुचि है और ऐसे प्रश्नों से जब आध्यात्मिक रूप से या दार्शनिक रूप से आप जूझने का प्रयास करते हैं तो आपको उत्तर मिलता है कि हम ऊर्जा के साकार पिंड हैं। जब हम स्त्री पुरुष के रूप में सोचते हैं या बड़े छोटे के रूप में सोचते हैं या अगड़े पिछले के रूप में सोचते हैं तो तेरे मेरे का बंटवारा हमारा हो जाता है। अब ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य को रात को आकाश में देखना चाहिए। मनुष्य होने का अर्थ क्या है? रात में आकाश में यदि हम देखेंगे तो हमको असंख्य पिंड दिखाई देंगे, ग्रह नक्षत्र दिखाई देंगे, जो निरंतर अनंत काल से इधर से उधर अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। इतना विज्ञान उन्नत हो गया आज की तारीख तक, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, पर इस धरती के मनुष्य का विज्ञान और टेक्नोलॉजी के उपकरणों के द्वारा दूसरी दुनिया में भेजा हुआ एक भी संदेश लौट के नहीं आया है और न दूसरी दुनिया से कोई संदेश हमारे पास में आया है जिससे हमको पता लगे कि ऐसी दुनिया और कहीं भी है या नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य के मन में ईश्वर को लेके भी संशय है कि ईश्वर है या नहीं है। दो पंथ हो गए, एक आस्तिक लोग हैं, एक नास्तिक लोग हैं। पर ये जगत है, ये सत्य है, ये हमको दिखाई देता है, ये दुनिया है, ये सत्य है। और उस दुनिया में हमारे हिसाब से हम सर्वोच्च कृतिशील प्राणी, तो सर्वोच्च कृतिशील प्राणी अपने जीवन साथी से या स्त्री पुरुष से या पुरुष स्त्री से डरने लगे, ये आज के काल का सबसे बड़ा वैचारिक संकट है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। आज आप देखिए कि जो लोग वेल टू डू हैं, जो समृद्ध हैं, जो ताकतवर हैं, जो दिन रात संसाधनों के साथ में जीवन जी रहे हैं, वो इस सवाल पे कितने छिन्न हो गए। बात करने में डर लगता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाए तो। पहला सवाल ये है कि कानून का राज्य लोगों के मन में डर पैदा होने के लिए है या लोगों के मन से डर को निकालने के लिए। ये जो स्त्री पुरुष वाला सवाल हमारे मन में धस गया कि मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हैं, ये इसलिए होता है कि हमने जन्म से ही कभी ये सोचा ही नहीं कि हम मनुष्य हैं या ऊर्जा के साकार पिंड हैं। उसकी परिणति इस रूप में आज हमारे सामने आ गई कि जिन प्रश्नों को इस समाज में या हमारे मस्तिष्क में उठना ही नहीं चाहिए था, वो सारे प्रश्न इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने आ गए हैं कि हम प्रश्नों से डरने लग गए। आज मनुष्य का दिमाग इतना कुंद हो गया, इतना विचारहीन हो गया कि उसको प्रश्नों से तो छोड़िए, अपने आप से डर लगने लगा है। घर के अंदर यदि परिवार के लोगों को डर लगने लगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो मनुष्यता कहाँ जाएगी? न घर के अंदर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न घर के बाहर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो सुरक्षा आएगी कहाँ से? हमको ये सोचना चाहिए, सारे मनुष्यों ने ये सोचना चाहिए कि सुरक्षा हमारे अंतर मन में है। हमारा अंतर मन आहत हुआ है, हमारा अंतर मन भयभीत हुआ है और उसी का नतीजा ये है कि इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी समाधान कारक रूप से हमारे समाज में नहीं। डर क्या है? मूल प्रश्न यह है कि डर क्या है और लगता कहाँ है? हाथ में लगता है, पैर में लगता है, घुटने में लगता है, पीठ में लगता है,
कान में लगता है, मन में ही लगता है। तो मन डरता क्यों है? मन के अंदर ये डर है कि यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा बुरा हो जाएगा। अनिष्ट की आशंका से जो जीवन प्रदूषित होने लगा है और जो विचारों की उत्पत्ति होने लगी है, उसमें एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन के अंदर आ गई है कि उस प्रतिस्पर्धा से पीछा छुड़ाए बिना हम सरल सहज जीवन जी नहीं सकते। मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में इस धरती पे हमको पैदा होने का मौका मिला, ये प्रकृति का हमारे को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। जब हमको मनुष्य के रूप में जन्म मिल गया तो हमारी जीवन की सारी चाहना खत्म हो जानी चाहिए, और आज के कालखंड में हो उल्टा रहा है कि हम शांति नहीं बैठ पाते, हमारी चाहनाओं की बाढ़ आई हुई है, छोटी छोटी चीज़ों में हम पाना चाहते हैं, छोटी चीज़ों में हम प्रतिस्पर्धा करने चाहते हैं। स्त्री और पुरुष जिनको मिलकर इस संसार को गतिशील बनाना है, सृजनशील बनाना है, आगेवान बनाना है, सुंदर बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है, जीवंत बनाना है, उनके बीच में ऐसे ऐसे वाद विवाद और संवाद हो रहे हैं कि हमको लगता है कि हम घर के सदस्य हैं या कोई दो देशों के बीच में गुरिल्ला वार हो रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, दूसरे देश हैं, इनसे जितना हमारा विवाद नहीं होता, उससे ज़्यादा विवाद घर की चार दीवारी के अंदर घर के सदस्यों के बीच में हो रहा है। तो मनुष्य कहाँ से चला था? मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है, मनुष्य के पास सबसे उन्नत दिमाग है, तो वो इतना प्रदूषित क्यों है? और हमको मनुष्य होने के अर्थ को समझना पड़ेगा। मनुष्य होने का अर्थ ये है कि हम सरलता से, सहजता से, शांति के साथ सबको साथ लेकर अपने जीवन को व्यतीत करने की जीवन शैली को अंतकाल तक विकसित करें। पर हम तेरे मेरे में उलझ गए। ये जो तेरे मेरे का भाव है, ये जो तेरे मेरे का भाव है, इसने हमारे दिलों का, हमारे दिमाग का, हमारे अधिकारों का बंटवारा कर दिया। हमारी सारी संवेदनाएं समाप्त तो होती दिखाई देती है। इस बात को सूत्र के रूप में समझते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जितने भी नाम रूप के भेद हमारे जीवन में हैं, ये भेद को समझना चाहिए, इन भेद की उपयोगिता को समझना चाहिए, इन भेदों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान के रूप में, अगड़े पिछड़े के रूप में, दलित और ऊंची जातियों के रूप में, ये जितने भी हमने सृजन किए हैं, इनसे हमारी समस्याएं सुलझी नहीं हैं, उलझ गई है। यदि हम इन सारी उलझनों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको इस सूत्र को समझना होगा कि हम ऊर्जा के साकार पिंड हैं और ऊर्जा इस जगत में हर कहीं व्याप्त है, और ऊर्जा हमको तेजवान बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए प्रकृति ने हमको प्रदत्त की है। ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन सृजनात्मक न होकर विध्वंसात्मक इसलिए ज़्यादा होता जा रहा है कि हम उस ऊर्जा की ताकत को समझने के बजाय अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और वही हमारे संबंधों के अनिष्ट होने का, ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है कि हम संबंधों को व्यापक बनाएं, संबंधों को एकांगी नहीं रखें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।